श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, दर्शकों यदि शुक्रवार के दिन भूल कर भी ये कार्य कर लेती हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में कभी भी पैर नहीं रखती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए भूल कर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर की बरकत रुक जाती है, उस घर में कभी भी धन संपदा नहीं आती है। बहुत से भक्त हैं जो इस बात से चिंतित रहते हैं कि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन क्यों नहीं हो रहा, क्यों उनके घर में पैसा नहीं रुक रहा है। माता लक्ष्मी का घर में आने का सबसे मुख्य संकेत ये होता है कि आपकी आमदनी में चार चांद लग जाते हैं। पैसे की आमदनी कहीं न कहीं से आती ही रहती है। घर में आए दिन कुछ न कुछ अच्छा ही होता रहता है। उससे अनुमान लगाया जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में मेहरबान है और उस घर में अपना वास कर चुकी हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कहीं माँ लक्ष्मी घर परिवार से रूठ ना जाए, इसलिए भूल कर भी शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां हर तरह की आर्थिक कष्ट हट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। परंतु अक्सर भक्तों को ये आभास होने लगता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर नहीं आ रही है, जिसका कारण होता है कि घर में आर्थिक संकट आ जाता है, घर में पैसे की आमदनी रुक जाती है। ऐसे में यह पता होना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही हैं और वे आपसे रूठ गई हैं। तो भला क्यों वे आपसे रूठ गई हैं? आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जिनको करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। जानने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अन्य लोगों को भी मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि घर में कभी भी सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इन बातों के बारे में आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा। इनमें से पहला कार्य है कि कई बार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, साथ ही घर में झाड़ू का अनादर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप देखा जाता है। साथ ही रसोई घर की साफ सफाई से भी माँ लक्ष्मी का संबंध होता है। माना जाता है कि रसोई के बर्तनों को रात में बिना धोए नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और ऐसे घर से वे दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं। इसलिए भूल कर भी घर में कभी भी रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, खास तौर पर रात्रि के समय तो भूल कर भी नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जो अन्न की देवी है उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अन्न का अनादर करता है उस घर में भी माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है और क्रोधित होकर उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है या महिलाओं के साथ अन्याय होता है उस घर में भी माँ लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। इसलिए भूल कर भी अपने घर की महिलाओं के साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, ना ही उनको अपमानित करना चाहिए, ना ही उनको दुखी रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्द ही क्रोधित होती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी और आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।